मरवा ले, हम तो तैयार बैठे, तुम जो मर्जी कर लो, मार दो हमें तो, तुम मार ही दो, इससे तो अच्छा है जो तुम हमारे हाथ पैर तड़वा रहे, हमें धमकियां दे रहे, मरवा दे सुनीता। काफ़ी जो शीशे हैं इस गाड़ी के वो कहीं ना कहीं जरूर तोड़ दिए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो डंडे हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, शीशा बिखरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं शीशा बिखरा हुआ है, कांच ही कांच इस गाड़ी में देखा जा रहा है। ये आप देखिए काफ़ी जो खिड़कियाँ हैं उसके शीशे जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ दिए जाते हैं और किन्नरों पर जो है जानलेवा हमला कर दिया जाता है। तो कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट किया आपके साथ? कितने थे? कितने लोग थे बता दीजिए? 8-10 जने थे जी। 8-10 जने? हाँ जी, तलवारें। आपके साथ ज्यादा मारपीट हुई है? इन्हीं के साथ हुई जी, ये गाड़ी में बैठे थे। उनको बोल दो। हाँ जी बताओ। नहीं बोल, बोल नहीं पा रहे फिलहाल, काफ़ी ज़्यादा। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इलाज के लिए जो है इनको यहाँ पर लाया गया है सरकारी अस्पताल की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो लोगों पर जो है हमला होता है और इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से गाड़ी में ये लोग बैठे हुए थे, बधाई लेने के लिए जा रहे थे। वो ना गाड़ी से थे, कई सारे लड़के थे, मैं तो बैठी थी अगली सीट पे, एकदम अचानक से आए वो ऐसे बिल्कुल ही, मेरे को भी गाड़ी से नीचे खींच के उन्होंने मेरे को भी खूब मारा है और इनको ज़्यादा चोट आई है, इनको शायद शीशा भी लगा है और एकदम से ही अचानक से ही आया वो। ये तो जानलेवा हमला गाड़ी पे? हाँ जी, हाँ जी जानलेवा, वो पहले भी हमें धमकियाँ दे चुके हैं वो, आप हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हमें पहले भी धमकियाँ दी है उन्होंने, धमकियाँ दे रहे हैं वो सरेआम हमें, जब भी हम आते हैं हमारे पास पीछे लड़के भी लगाते हैं वो, हमें मांगने ही नहीं देते, सर बताओ हम कहाँ जाएं, हम भी किन्नर हैं वो भी किन्नर हैं, उनके पास इतना बड़ा पानीपत का एरिया है तो वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आते हैं झगड़ा करने हमारे साथ में, और कल शाम को भी हमारे को बुला रहे थे वो, हम नहीं आए हैं, कल भी हमारे को बुला रहे थे हम नहीं आए हैं। हाँ जी हाँ जी, मौका देख रहे थे वो, हमने पहले रिपोर्ट भी करी थी उनके खिलाफ तो उस पर हमारी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है, ना हमारा कोई आपस में बैठ के आमने सामने भी नहीं कोई हुई है बात, तो वो शुरू से ही हमारे को धमकियां दे रहा है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की। पहले भी जो ये मामला उठा था डीसी साहब से भी मिले थे, लेकिन अब फिर जो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपके ऊपर जो है क्या डंडे चले हैं? हाँ जी हाँ जी, मेरे चोट लगी हुई है, चोट लगी है जी, देखो बिल्कुल निशान। हाँ जी, तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है डंडे चलाए गए हैं, और ये आप देख सकते हैं गाड़ी में जो है चार ये लोग मौजूद थे और इनके ऊपर जो है जानलेवा हमला कर दिया जाता है। और गाड़ी हम आपको दिखा देते हैं, ये वो गाड़ी है जिसके जो कांच है जिसका टूटा हुआ है, साइड की खिड़कियों की अगर हम बात करें, आप ये देख सकते हैं खिड़कियां सारी तोड़ दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ के जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए हैं। DL8CAV4320 इस गाड़ी का नंबर है जिसे तोड़ दिया जाता है पूरी तरह से, आप ये देख सकते हैं सारे शीशे टूटे हुए हैं और इनके ऊपर जो है जानलेवा हमला होता है। फिलहाल इलाज के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ये आप देख सकते हैं इलाज के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने हमारे पे नजर रख रखी थी जी, कोई ना कोई छोटा हुआ था उनका जासूस, उन्होंने इसीलिए हमें मारा, आज इसी टाइम पकड़े गए। प्लीज हमारी हेल्प की जाए, हमें खतरा है जी, कल कलाने हमें कुछ हो जाता है, पानीपत वाले सुनीता सिमरन और नागिन ये तीन किन्नर जुम्मेवार हैं जी, ठीक है, मैं तो हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ जी, हमें बहुत जानलेवा हमला हुआ, हमें खतरा है जी, ठीक है, हमारी हेल्प की जाए। आज भी जिस तरीके से हालत देख रहे हैं काफी नाजुक, बिल्कुल 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 सर, गाड़ी में ऐसे आए लड़के एकदम से, सब कुछ ले रहे थे जी, बंदूक भी थी उनको गुंडों के पास, रिवॉल्वर भी थी उनके पास, और धमकी दे कर गए हमारे को। हाँ जी, नुका तो दोबारा कुंज प्रेम में दिखेगा ना, तो ऐसे करेंगे, ऐसे उंगली से करके गए जी, धमकी दे के गया मैं आज भी, और उस हिजड़े ने भी हमें धमकी दी है, हम कहाँ जाएंगे, हम तीन हिजड़े चार हिजड़े हम 12 गांव मांग रहे हैं, कुंजपुरा और कुंजपुरे के 12 गांव, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, कोई हमें 1100 देता है, कोई 2100 देता है, कोई 11000 भी दे देता है, हम उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें मारपीट की धमकियाँ दे रही है हिजड़े, हमें कुछ हो गया जी वो जुम्मेवार है जी, ठीक है, हमें सिक्योरिटी दी जाए जी, वो पैसे वाले लोगों से अवैध वसूली करके वो हमारे जैसे गरीब किन्नरों पर
जानलेवा हमला करवाते हैं जी। बस हमें पहले भी रिपोर्ट की है जी। प्लीज मैं तो मीडिया का सहारा लेके प्रशासन को यही कहती हूँ कि हमारी मदद की जाए जी। हम गरीब किन्नर है जी, इंद्री के बच्चे हैं जी हम। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से किन्नरों पर जो है हमला कर दिया जाता है। और सरकारी अस्पताल की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं एक गाड़ी के अंदर 4 किन्नर जो है मौजूद थे और किस प्रकार से जो है किन्नरों पर जो है हमला कर दिया जाता है। हम तो तैयार बैठे, तुम जो मर्जी कर लो, मार दो हमें तो, तुम मार ही दो, इससे तो अच्छा है जो तुम हमारे हाथ पैर तड़वा रहे, हमें धमकियां दे रहे, मरवा दे सुनीता, वे हमारा पेंडा छटवा दे, हमें मार दे। आए माँ, आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किन्नरों की गाड़ी पर जो है जानलेवा हमला हो जाता है। और दुआएं देने के लिए है ना, किन्नर दुआएं देने के लिए होते हैं जी, किन्नर लोग दुआएं देते हैं जी, ठीक है। ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं जी, अवैध वसूली कर रहे हैं लोगों से, 51,000 21,000 लेके हमारे जैसे गरीब किन्नरों को मरवाते हैं जी, ठीक है। किन्नर किस लिए बनाया, दुआ देने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना, कि गुंडागर्दी करने के लिए, ठीक है। और मैं यही मांग करती हूँ कि हमें हमारे कुंजपरे में ना आए, हमारे आसपास के गांव छोड़ दे, हम इनसे अपनी दाल रोटी कर रहे हैं जी। बिल्कुल अपनी मांग जरूर सामने रखी है। और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिलहाल यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए। और ये इनकी गाड़ी है जिसका नंबर है DL8CAV, आप ये देख सकते हैं DL8CAV4320, ये इसका नंबर है। और काफ़ी जो शीशे हैं इस गाड़ी के वो कहीं ना कहीं जरूर तोड़ दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो डंडे हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, शीशा बिखरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं शीशा बिखरा हुआ है, कांच इस गाड़ी में देखा जा रहा है। ये आप देखिए काफ़ी जो खिड़कियाँ हैं उसके शीशे जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ दिए जाते हैं और किन्नरों पर जो है जानलेवा हमला कर दिया जाता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हरियाणा के करनाल की तस्वीरें हैं, कुछ एक और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। डर है काफ़ी मन में उन लोगों के, पोतों का डर तो मतलब उठाई दे ना, जब कितने डर तो हम तो अपने बच्चे की जान बच के मारे, बच्चे मारे, बच्चे चला रहे लड़के गाड़ी को, मेरा लड़का चला रहा था कुदरती। ये तो करनाल के लिए बोल कहा थे करनाल जाना, हमने क्या पता ऐसे काम में लिया, मन तो घर गाड़ी खड़ी आराम तो जानते हमने, तो कहीं भी लेगा इस पर गाड़ी कोई और लगी थी किसी की, मतलब आपकी गाड़ी है टैक्सी करके आए वहाँ से, ऐसा किसी और गाड़ी लगी थी उसके यहाँ डेथ वगैरह प्रोग्राम बता दिया उन्होंने, डेथ है तो चल जाते हैं भाईचारे में, उन्हें वगैरह गाड़ी थोड़ी देर करनाल जाना रहना है ना, हमने के पता इस मामले कर बड़ा भेजू भी नहीं बाढ़ की जान, हमने सब रखा सकें ठेका ले किसी का भी। फिलहाल देख सकते हैं आपका बेटा चला रहा था गाड़ी, मेरा बेटा था, क्या नाम है इसका, रोष है इसको लेकर। बिल्कुल ये ड्राइवर है, आप ये देख सकते हैं जो इस गाड़ी को चला रहा था, ये आप देख सकते हैं इसकी भी जान बाल बाल जरूर बची है। करनाल की तस्वीरें, हरियाणा के कुंजपुरा गांव की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी शीशे हैं ये आप देख सकते हैं सारे शीशे जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ दिए जाते हैं। कौन ये लोग हैं पुलिस जाँच का विषय है, अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।